Now, let's start. हमने प्लेस वैल्यू और कैश वैल्यू सीखा। प्लेस वैल्यू सर कैसे? आज भी हाँ जी बताइए। उस दिन का जैसे करेंगे। हाँ उसी के जैसा हम लोग आज भी पढ़ाई करेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा एक चीज और ध्यान रखिएगा। एक्सपेंडेड फॉर्म हमने सीख लिया था, कंपेरिजन ऑफ डेसिमल्स नहीं सीखे थे, ठीक है? तो आज हम लोग कंपेरिजन ऑफ डेसिमल्स भी सीखेंगे। कंपेरिजन ऑफ डेसिमल्स में कैसे किसी नंबर को कंपेयर किया जाता है। इससे पहले हमने क्या सीखा, किसी भी नंबर डेसिमल का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालना, है ना? 3.2 में यह 3 जो डेसिमल के पहले है उसे होल नंबर कहा जाता है, होल पार्ट, और जो डेसिमल के बाद है उसे कहा जाता है डेसिमल पार्ट। जैसे 63.23 में, 28 में 6 का प्लेस वैल्यू होगा 60। 3 किस प्लेस पर है, तो वह वंस प्लेस पर है। 2 किस प्लेस पर है, 10th प्लेस पर। और 8 किस प्लेस पर है, 100th प्लेस पर। 100 नहीं, 100th। तो इसका प्लेस वैल्यू 6 का 63 का केवल 3 इस 2, चूंकि 10th प्लेस पर है तो यह 0.2, और 100th प्लेस पर है तो 0.08, है ना? अब एक्सपेंडेड फॉर्म में जब लिखना होता है तो हम लोग सबसे पहले होल नंबर्स को एज इट इज लिखते हैं, और सभी का प्लेस वैल्यू को प्लस साइन के साथ जब अलग अलग ब्रेक करके लिखते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, तब वह कहलाता है एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे यहाँ 0 पॉइंट समथिंग है होल नंबर, जी यहाँ होल नंबर कुछ भी नहीं है, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है, आप और सभी स्टूडेंट को दिखाई दे रहा है क्या? सर दिखाई तो आप ऐसा कीजिए, रीज्वाइन कर दे लीजिए एक बार। रहा है। दिखाई दे रहा हाँ सर गुड, दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो फिर जिनको नहीं दिखाई दे रहा ना, कभी कभी नेटवर्क की समस्या होती है, तो आप रीज्वाइन कर सकते हैं, रीज्वाइन कर लीजिए मीटिंग लीव करके, दिखाई देगा। ओके, तो 0.56 इज इक्वल टू, अगर हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो होल नंबर में कुछ भी नहीं है, केवल डेसिमल पार्ट है। तो डेसिमल पार्ट को लिखने के लिए 5/10, क्योंकि यह 10th प्लेस पर है। फिर से प्लस देकर और 6 का प्लेस वैल्यू लिख दीजिए, 6/100, क्योंकि वह 100th प्लेस पर है, तब यह कहलाता है एक्सपेंडेड फॉर्म। यह फ्रैक्शन मेथड हमने यूज किया, आप चाहें तो इसे एक और मेथड से यूज कर सकते हैं, डेसिमल नंबर का यूज करके भी लिख सकते हैं। कैसे, इसको लिखने के लिए आप पहले इक्वल टू साइन देकर और ऐसे लिख दीजिए 0.05 प्लस, सॉरी 0.05 नहीं, केवल 0.5, 10th प्लेस है। स्क्रीन अभी भी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है? यस वाह, मेरे यहां से तो सब कुछ ठीक है, स्क्रीन तो प्रेजेंट हो रहा है सर। दिखाई लिखेगा क्या? हाँ लिखते जाइए, लिखते जाइए, तब ज्यादा समझ में आएगा ना, लिखते जाइए। आप चाहें तो स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं। जिनको नहीं दिखाई दे रहा है वो, आप ऐसा स्क्रीन कीजिएगा, जिनको जिनको दिखाई बाद में नहीं, इसका वीडियो भेज देंगे। वीडियो सर वॉइस इज नॉट क्लियर। वॉइस ओके। सर जीरो एक्सपेंडेड पॉइंट फाइव प्लस क्या है? 0.5 क्यों होगा, इसे समझने के लिए पहले आप इसे देखिए। दिस इज 5/10, 10th प्लेस पर है ना, क्योंकि यह 10th प्लेस पर इसलिए 5/10 लिखेंगे, यह 100th प्लेस पर इसलिए 6/100 लिखेंगे। प्लेस वैल्यू हमने लिख दिया, एक्सपेंड हो गया। अब यह 5/10 को डेसिमल में लिखने के लिए हम लोग, होल नंबर कुछ भी नहीं है तो 0 पॉइंट, और यह 10th प्लेस पर है इसलिए
इसमें एक जीरो है तुरंत बाद, एक डिजिट से ही पहले डेसिमल रहना चाहिए, तो यह 0.5 हो जाएगा। हमने ऑलरेडी सीखा है कि 5/10 को डेसिमल में कैसे लिखते हैं, 0.5। उसी तरह 6/100 को डेसिमल में कैसे लिखेंगे, 100 में 20 है तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल होना चाहिए, तो यह हो जाएगा 0.06, केवल 6 नहीं 06। तो ये दो मेथड है जैसे जिसका यूज करके आप एक्सपेंडेड फॉर्म में किसी भी डेसिमल नंबर को लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन, 0.56, हाँ 0.56 को हम लोग लिख सकते हैं 5/10 प्लस 6/100। दूसरा मेथड 0.5 प्लस 0.06, एक फ्रैक्शन मेथड का यूज करके और दूसरा डेसिमल मेथड का यूज करके हम लोग किसी भी डेसिमल नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं। मान लीजिए अब आपको दिया गया 2.3.46 या 49 ले लीजिए, यही क्वेश्चन लिख लीजिए। अब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है, सोचते चलिए। अब यहां पर होल नंबर है 3 जो कि डेसिमल के पहले है, तो पहले होल नंबर को एज इट इज लिखेंगे 3 प्लस दूसरी बार 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा इन फ्रैक्शन फॉर्म, तो 4/10 या 4/100 किस प्लेस पर है, 4 टेंथ पर या 100 प्लेस पर, 100 प्लेस। यहां देखिए डेसिमल के तुरंत बाद है ना 4, तो सर क्या जो 4, हाँ 4 डेसिमल के तुरंत बाद है, इसका मतलब यह टेंथ प्लेस पर है, तो इसे लिखेंगे 4/10 और फिर प्लस देकर अब 9 का प्लेस वैल्यू लिखिए, तो 9/9 / डेसिमल के एक डिजिट के बाद है, मतलब वहां 100th प्लेस पर है, तो यहां नीचे में लिख देंगे 100, तो 9/100। और इसे ही जब डेसिमल फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो यह बन जाएगा 3 प्लस 0.4 टेंथ के लिए प्लस 0.09 100th के लिए, तो 0.09 100th प्लेस के लिए हमने लिख दिया, तो इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। अब आप लोग एक लिख कर बताइए, अगर आपके पास दिया गया 6.57 तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। पहले क्या लिखेंगे बताइए, या बोल भी सकते हैं माइक ऑन करके, पहले होल नंबर को। नाइन्टी सेवन कहां पर से आ रहा है आपका, देखिए पहले होल नंबर है ना, पहले इस होल नंबर को लिख लीजिए, फिर प्लस दीजिए, फिर दूसरे नंबर का 5। अच्छा हाँ, 3 प्लस 0.4 प्लस 0.09 वाला का आंसर है ना, हाँ 3.49। हाँ ये तो हमने एक्सपेंडेड फॉर्म ही लिखा है, ये तो सही है क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन ही था, इसी को हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहे हैं, है ना। तो अब इसे चेक कीजिए कि इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखा जाए। 6.57 है तो पहले 6 लिख दिए, उसके बाद सर फिर 0.5, हाँ 0.5 वेरी गुड, और उसके बाद फिर से प्लस देकर 0.07, यह हो गया डेसिमल एक्सपेंशन।
अगर आप फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो फ्रैक्शन में भी लिखा जा सकता है। बहुत अच्छे, 5/10 प्लस 7/100, 100th प्लेस पर है। तो दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए। सर मुझे सेकंड वाला थोड़ा इजी लगा। सेकंड वाला थोड़ा इजी है, कोई भी मेथड यूज किया जा सकता है। अगर फ्रैक्शन फॉर्म में कहा जाए तो फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देंगे, डेसिमल फॉर्म में कहा जाए तो डेसिमल फॉर्म में लिख देंगे। केवल इतना ध्यान रखना है कि जो 10th प्लेस पर है उसे बाय 10 या डेसिमल के तुरंत बाद वो नंबर आना चाहिए, और जो 100th प्लेस पर है वह डेसिमल के एक डिजिट के बाद होता है वह, तो बीच में एक जीरो आ जाएगा, है ना। चलिए अब आइए एक और क्वेश्चन, लास्ट 5.01, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? होल नंबर है इसमें 5, तो इस 5 को पहले लिख लीजिए, फिर प्लस दे दीजिए, फिर जो डेसिमल के तुरंत बाद है उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखिए, तो वह तो जीरो है। आप चाहें तो उसे नहीं भी लिख सकते हैं या 0.0 लिख भी दीजिए। सर अगर जीरो नहीं लिखेंगे तो कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि जीरो का कोई वैसा खास महत्व है नहीं, वह मीनिंगलेस है। और फिर 1 का अब लिखना है, तो 0.01, केवल 1 नहीं 0.01, 100th प्लेस, बिल्कुल यह 100th प्लेस पर है। जिया कह रही है कि वो 100 नहीं बल्कि 100th प्लेस पर है, इसलिए 0.01 हो जाएगा, है ना। अभी क्या लिखना है? यस हां, लिखते जाइए। और अब इसको सर आप इसे लिखने वाला भेज दीजिए ना जी, आप इसका वीडियो भेज दीजिए ना। हाँ, वीडियो मैं भेज दूंगा। अभी आप साथ साथ लिखते जाइए, ज्यादा समझ में आएगा। फिर इसे अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना चाहें तो 5 प्लस सर स्क्रीनशॉट मार के रख दें। ठीक है, रख लीजिए, लेकिन साथ साथ आप खुद लिखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए 0/10 क्योंकि यह 10th प्लेस पर है, प्लस 1, तो 1/100, यह हो गया इसका फ्रैक्शनल फॉर्म में डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। सर एक बार आप ऊपर वाले जो 3.49 का अलग वाला करिए है ना सर, ये वाला तो नीचे का समझ में आ गया सर, लेकिन ऊपर का भी एक बार जी से समझाइए ना। ठीक है, यहाँ से इसमें इस क्वेश्चन का थ्री पॉइंट फोर नाइन है ना, तो होल नंबर में यहां हमारा 3 है, तो पहले हम लोग लिख देंगे 3, फिर प्लस, अब डेसिमल एक्सपेंशन लिखिए, 4 इज एट 10th प्लेस, तो 0.4 इसका हो जाएगा, और फिर से प्लस देकर एक और डिजिट है 9 जो कि 100th प्लेस पर है, तो 0.09 इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिख दिए, सभी को प्लस के साथ लिख दिए, स्प्लिट कर दिए, तो यह एक्सपेंड हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। इसे ही आप चाहें तो फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 तो होल नंबर है तो 3 को एज इट इज रहने देंगे, लेकिन 4 का जब डेसिमल, 4 जो डेसिमल में है उसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो यह हो जाएगा 4/10 क्योंकि 10th प्लेस पर है। उसी तरह एक और डिजिट बचा 9, अब 9 किस प्लेस पर है? 100th प्लेस पर है ना, इसलिए इसका 9/100 बस। हाँ ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट ओके, आगे बढ़ते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म।
कोई बात नहीं, मैं वीडियो भेज हेलो दूंगा, सर, वीडियो जा रहा भेज है। दूंगा। कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर्स 0.2 और 0.3। स्मृति छाया गोगोई, ओके, अटेंडेंस सही मार्क हुआ, जल्दी आ जाया करें। हाँ, 0.2 एंड 0.3। हेलो सर, हाँ बोलिए। कल आप नहीं आ पाई थी, कोई बात नहीं, हमने रिवीजन कर दिया है तो आप सीख सकते हैं इसमें। थोड़ा सा ध्यान से सीखते चलिए यहाँ पर। अभी 0.2 मीन्स 2 बाई 10। 0.2 मीन्स 2 बाई 10 इन फ्रैक्शन फॉर्म, एंड 0.3 मीन्स 3 बाई 10। 10th प्लेस पर है यह अभी। अब फ्रैक्शन का कंपैरिजन तो हमने सीखा है, अगर 10 पार्ट्स में से केवल 2 पार्ट किसी को मिल रहा है और एक दूसरे पर्सन है जिनको 10 पार्ट में से 3 पार्ट्स मिल रहा है, तो बड़ा कौन सा होगा, किसको ज्यादा मिलेगा? बहुत अच्छे, इसका मतलब थ्री सर, सही है, इसका मतलब 3 बाई 10 इज ग्रेटर, है ना? जब 3 बाई 10 ग्रेटर हो गया तो यही 3 बाई 10 तो डेसिमल के रूप में यहाँ है, तो क्या हम लोग यहाँ कंपेयर करके ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 2 0.2 इज अ स्मॉलर देन 0.3 और 0.3 इज ग्रेटर देन 0.2। तो अगर हमें फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डेसिमल कुछ और नहीं, उसी का एक पार्ट आगे है ना? तो 0.2, 0.3, बड़ा कौन हो गया, 0.3। ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं कि जब दोनों का प्लेस वैल्यू, दोनों 10th प्लेस पर है, तो केवल इस नंबर को चेक कर लीजिए, यहां 2 है यहां 3 है, तो 3 इज ग्रेटर, देयरफॉर 0.3 इज ग्रेटर। समझ रहे हैं? अब इसी तरह अगर आपको एक नंबर दिया जाए, यस और थोड़ा मैं बड़ा करता हूं इसे, हाँ, ये साइज ठीक है। अब आपको मैं क्वेश्चन दे दूं, 0.9 ग्रेटर देन और स्मॉलर देन 0.5, कि आप गिल कीजिएगा, आप किधर बड़ा होगा, कौन 0.9 या 0.5? दोनों 10th प्लेस पर है ना, 0.9, तो आप आसानी से यहां पर इस तरह का सिंबल यूज करके कंपेयर कर सकते हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया। अगर हमें दिया गया इस बार 0.8 ग्रेटर देन और स्मॉलर देन 1.2, सॉरी सोचिए, देखिए देखिए ध्यान से, ओके, थोड़ी देर सुनते हैं। हाँ, इसमें होल नंबर कुछ है क्या, 0.8 में कुछ होल नंबर है? नहीं है, वेरी गुड। और 1.2 में एक होल नंबर क्या है? वन, वन होल नंबर है। तो होल नंबर बड़ा होता है कि फ्रैक्शन बड़ा होता है, ये होल नंबर, तो ऑब्वियसली जिसमें होल नंबर है वह बड़ा हो जाएगा, है ना? इसलिए हम लोग यहां पर सिंबल यूज कर लेंगे, गुड। तो इसमें 1.2 ही विल बी ग्रेटर देन 0.8, या 0.8 इज स्मॉलर देन 1.2। बहुत बढ़िया आमोद ब्रह्म, ठीक है। और एक और क्वेश्चन देखिए, तब मान लीजिए आपके पास मिला 0.7 ग्रेटर देन और स्मॉलर देन 0.06, सॉरी, हाँ 0.09। अब बताइए इसमें से कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा?
अंदर था 0.009 सब। 0.09 ज्यादा बड़ा हो जा रहा है क्या? चलिए कोई बात नहीं, ऐसे देखिए 0.09 ओके, एक मिनट फिर से मैं चेक कर देता हूँ, थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा हो गया। अब ऐसे देख लीजिए 0.09 और 0.09, इसमें से बताइए कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। 0.09 ओके, थोड़ा इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 0.6 मींस 6/10, 10th प्लेस पर है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? 0.6 कैन बी रिटन एट 6/10 बिकॉज इट इज एट 10th प्लेस। हाउ वी कैन राइट 0.09? 9 बाय कितना, 10 या 100? 100, क्योंकि 100 प्लेस पर है। बहुत बढ़िया, अब सोचिए कि आपको 10 पार्ट्स में से एक पिज्जा है या चॉकलेट है, उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया हमने और 6 पार्ट आपको दे दिए, और वही चॉकलेट को 100 पार्ट में डिवाइड किए और उसके बाद 9 पार्ट आपको दिए। अब कौन सा छोटा छोटा हो जाए? 100 पार्ट में जब डिवाइड करेंगे किसी को तो एकदम छोटा हो जाएगा, है ना? 100 पार्ट ही होगा छोटा। हाँ, ये छोटा हो जाएगा 100 पार्ट में जब डिवाइड कर दे तो छोटा हो गया, इसका मतलब 6/10 ही बड़ा हो गया, है ना? हमने फ्रैक्शन का जो वीडियो बनाया है या आप पढ़े होंगे जो क्लास किए हैं तो वो देख लीजिएगा एक बार। हमने एक सर्कल लिया था, इस सर्कल को हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर 100 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो 100 पार्ट वाला बहुत छोटा छोटा हो जाता था, है ना? तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं उसे। तो यहाँ पर जो आंसर सही हो जाएगा वह हो जाएगा 0.6 इज ग्रेटर देन 0.09। अब यहां से आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं, क्या नोटिस कर सकते हैं कि जब 0.6 है ना, यह 10th प्लेस है और यहां 10th प्लेस पर 0 है, तो केवल आप एक एक नंबर को देखते जाइए। यहां 0.6 और यहां 0.0, पहले 10th प्लेस को कंपेयर कीजिए, तो यहां 0 है और यहां 6 है, तो बड़ा कौन सा? 6, इसलिए 0.6 इज ग्रेटर। आप फिर से समझते हैं इसको, है ना? ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल आपको लगा क्या? यहां हमने क्या कहा? यस सर। इसको हटा ही देते हैं, ठीक है, पूरा हटा दे रहे हैं। चेक कीजिए इसे, ध्यान से समझेंगे। अगर आपके पास दिया गया नंबर 23 और 32, तो इसमें से बड़ा कौन है? इसमें से बड़ा नंबर कौन सा होगा? 32। क्या किया आपने, पहले वंस प्लेस को कंपेयर किए या पहले टेंस प्लेस को कंपेयर किए? बहुत अच्छे, पहले हमने, वेरी गुड, पहले हमने टेंथ प्लेस को कंपेयर किया, यस सर, है ना? टेंथ प्लेस पर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 3 इज ग्रेटर, ये 20, ये 30। ठीक उसी प्रकार जब होल नंबर को हटकर, होल नंबर को हम लोग ऐसे भी लिखना सीखे हैं कि 23.0000 जितना लिखते जाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, है ना? तो जब डेसिमल पार्ट में भी चेक करना शुरू कीजिएगा तो आप पहले डेसिमल के तुरंत बाद वाले नंबर को चेक कीजिए, अगर वो दोनों इक्वल है तब फिर उसके आगे बढ़िए, फिर से अगर दोनों इक्वल है तब उसके और आगे बढ़िए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास दिया गया 0.9 या 0.0
टू ही दे दिया गया, और यहां दिया गया 0.03। तो पहले हम लोग चेक करेंगे टेंथ प्लेस को जो डेसिमल के तुरंत बाद है, डेसिमल के तुरंत बाद है यहां 2, डेसिमल के तुरंत बाद है यहां 0, तो इसी में मिल गया बड़ा कौन सा 0.2, क्योंकि डेसिमल में यहां 0, डेसिमल के तुरंत बाद 10th प्लेस पर यहां 0 और यहां 10th प्लेस पर 2, तो 10th प्लेस इज ग्रेटर, देयरफॉर 0.2 इज ग्रेटर। लेकिन यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता 0.2 और यहां होता 0.03, तब यहां चेक करते आप कि पहले होल नंबर 00, 10th प्लेस 22, तो अभी भी नहीं मिला, दोनों इक्वल। अब इसके बाद क्या हो सकता है, क्या हम लोग 0.2 को ऐसे लिख सकते हैं 0.20, पॉइंट के बाद अगर 0 दे दें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर पॉइंट के बाद 0.0 रख देते हैं तो कोई फर्क नहीं ना पड़ता, तो यहां पर 0.02 केवल लिखा, 20 लिख दीजिए। अब कंपेयर कीजिए कि यहां पर 22 तो इक्वल है, तो अब यहां 0 और यहां 3, अब कौन बड़ा हो गया, कौन सा नंबर 0.20 या 0.23? 0.23, इसलिए 0.23 को आप ग्रेटर शो कर दीजिएगा सर, 0.20। हाँ 20, ये भी 20 और ये 23 है, यस सर, तो 23 ग्रेटर हो जाएगा ना, जो ज्यादा बड़ा रहेगा। हाँ मान लीजिए आपके पास एक नंबर दे दिया गया 5.1 और इसको कंपेयर करने के लिए कहा गया 15.1 से, तो देखिए होल नंबर पहले चेक करेंगे, पहले वाले में होल नंबर है 5, दूसरे नंबर में होल नंबर है 15, तो बड़ा कौन सा होगा? बहुत बढ़िया 15, बहुत बढ़िया, तो हम लोग यहां लिख देंगे 15.1 इज ग्रेटर। हाँ सही है, बहुत बढ़िया। अगर मान लीजिए अब दिया गया 5.4 ग्रेटर देन और स्मॉलर देन 5.9, अब कौन सा बड़ा होगा? 5.9, बहुत बढ़िया। अब एक और क्वेश्चन दिया गया 5.7 और 5.07, नहीं, यस सर, नहीं, क्यों नहीं सो बताते हैं। यहां पहले हमने होल नंबर को कंपेयर किया 5 5, ओके बोथ आर इक्वल। अब 10th प्लेस को कंपेयर कीजिए, 10th प्लेस पर यहां 7 और यहां 10th प्लेस पर 0, तो कौन बड़ा है? 10th प्लेस पर ही कंपेयर कर लेंगे, 5.7, यहां देखिए 10th प्लेस में 7 है, यहां 10th प्लेस में 0 है, तो 7 ग्रेटर होता है ना, इसलिए ये पूरा नंबर ही ग्रेटर हो जाएगा। चलिए एक और, मान लीजिए अब आपके पास मिला 23.6 और इसको कंपेयर करना है 23.04 के साथ, वेरी गुड। क्यों 23.6 होगा? क्योंकि इसमें 10th प्लेस पर 6 है और इसका 10th प्लेस पर 0 है,
तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे ही नहीं, यही पता चल गया 23 23 इक्वल 6 और यहाँ 0, 6 इज ग्रेटर सो ये नंबर ग्रेटर। गुड, एक और क्वेश्चन, लास्ट वन, 33.09 और 31.59। सोच लीजिए, पहले हम लोग होल नंबर को कंपेयर करेंगे, तो होल नंबर यहाँ है 33 और यहाँ है होल नंबर 31, तो होल नंबर 33 बड़ा है। हाँ, तो पहले तो होल नंबर को कंपेयर करना है, फिर 10th प्लेस को कंपेयर करना है, फिर 100th प्लेस को कंपेयर करना है। हाँ, तो 33.09 बड़ा है, ठीक है। पहले होल नंबर को कंपेयर कर लीजिएगा, फिर 10th प्लेस को कंपेयर कीजिएगा और तब 100th प्लेस को कंपेयर करेंगे। हाँ, वीडियो भेज दिया जाएगा। चलिए एक और देख चेक कर लीजिए, तब ला जाते जाते 45.12 और 45.30। सर 45.30 क्यों? क्योंकि हमारे पास 45 होल नंबर दोनों सेम था। अब हम लोग 10th प्लेस को कंपेयर करेंगे, 10th प्लेस यहाँ 1, यहाँ 10th प्लेस 3, तो 3 बड़ा है, इसलिए ये नंबर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वीडियो भेज देंगे, वहां से चेक कर लीजिएगा, है ना। हाँ, ओके सर, बाय सर, ओके बाय, थैंक यू, बाय सर।